गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शरणदीप कौर। आज हमने जो केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करना है वो है मोलैरिटी चेक करने का। ठीक है, मोलैरिटी चेक करनी है हमें KMnO4 की, मतलब पोटाशियम परमैंगनेट की, जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे ऑक्जैलिक एसिड में। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑक्जैलिक एसिड की जो हमें मोलैरिटी है वो हमें गिवन होगी। जैसे हमने आज जो ऑक्जैलिक एसिड लेना है वो लेना है M/40, मतलब उसकी जो मोलैरिटी है वो 1/40 रहेगी। ठीक है, KMnO4 जो होगा वो हमें गिवन होगा। KMnO4 हमें उसकी मोलैरिटी जितनी भी है वो गिवन होगी, हमने उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले हम ऑक्जैलिक एसिड M/40 ऑक्जैलिक एसिड प्रिपेयर करेंगे। इसको प्रिपेयर करना है बच्चों, हमने वॉल्यूम टोटल लेना है 250 ml। अगर हमने 250 ml वॉल्यूम लेना हो तो जो ऑक्जैलिक एसिड होता है, अगर M/40 मोलैरिटी का बनाना है तो हमें उसकी क्वांटिटी 0.78 लेनी पड़ती है। ठीक है जी, जो भी हमने मोलैरिटी के फॉर्मूलाज किए थे उन फॉर्मूलाज का यूज़ करके ही हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले वेट कर लेंगे। देख लो बच्चों, जो क्रिस्टल्स होते हैं ऑक्जैलिक एसिड के वो वाइट कलर के होते हैं। हमने 0.78 ग्राम क्या लेना है, इसको मेज़र कर लेना है। ठीक है, फिर हम इस 0.78 ग्राम जो हमने ऑक्जैलिक एसिड लिया है उसको वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लेना है। ठीक है, देन हमें रजे जो KMnO4 का जो सॉल्यूशन है वो हमें गिवन होगा। सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ जो KMnO4 के क्रिस्टल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनका कलर कौन सा होता है। उनका कलर बच्चों पर्पल शेड का होता है। ऐसे बच्चों पर्पल कलर के हमारे पास जो क्रिस्टल्स होते हैं KMnO4 के, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो भी पर्पल कलर का ही मिलेगा। इसके बाद रजे हमने क्या किया है, हमने ऑक्जैलिक एसिड का सॉल्यूशन बना रखा है बीकर में, इसको बीकर बोलते हैं। बीकर में हमने क्या है, 250 ml ऑक्जैलिक एसिड का सॉल्यूशन बना रखा है। देन ये कलर होता है बच्चों पोटाशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन का। ठीक है, हमने ये भी 250 ml पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बनाया है, ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है रजे, ये बच्चों ब्यूरेट है। ठीक है, ब्यूरेट है, ब्यूरेट में हमने क्या है पोटाशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है फिल करके रखा है। ठीक है, इसकी रीडिंग बच्चों 0 तक हमने फिल करके रखनी है पहले। ठीक है, बाद में हम इसका यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हमने बच्चों क्या करना है, ये बच्चों पिपेट है, पिपेट का यूज़ करके हमें क्या करना है, ये जो हमने ऑक्जैलिक एसिड का सॉल्यूशन लिया है ना, इसको हमने पिपेट में भर के, हमने 20 ml की पिपेट ली है, 20 ml सॉल्यूशन इसमें फिल करके हमें फ्लास्क में डालना होता है, कॉनिकल फ्लास्क में डालना होता है। ठीक है, हम इसमें 20 ml का सॉल्यूशन लेंगे, इस पर एक मार्क लगा होता है, इस मार्क से हमें पता चलता है कि 20 ml सॉल्यूशन फिल हो गया है। तो हम इसको फिल कैसे करेंगे, ये बच्चों हमने 20 ml सॉल्यूशन ले लिया है, इसको हम फिल कर लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में। इसके बाद रजे हमने क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब, फुल टेस्ट ट्यूब हमने सल्फ्यूरिक एसिड की लेनी है। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, ये हमने सल्फ्यूरिक एसिड की टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, तो हमने टेस्ट ट्यूब जो लेनी है उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, 20 हम देख लेंगे, या तो हम टेस्ट ट्यूब से माप लेंगे या फिर हम क्या ले लेंगे, 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड मेज़र कर लेंगे मेज़रिंग सिलेंडर की हेल्प से। ठीक है, हमने 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। ठीक है, इसको हमने ऐड कर दिया इनटू द कॉनिकल फ्लास्क जिसमें हमने ऑक्जैलिक एसिड भर के रखा था। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसको हीट करना है। कब तक हीट करना है, जब तक इसका जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद रजे हमने इस सॉल्यूशन को क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, हीट करना है, हमने बर्नर का यूज़ किया है, बर्नर पे हमने ट्राइपॉड स्टैंड रखा है पहले एंड फिर वायर गॉज रखी है। ठीक है, इसको हम हीट करेंगे एंड हम कॉन्स्टेंटली इसका टेम्परेचर नोट करते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, जब इसका जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री हो गया तब हम इसको उठा लेंगे, देन इसका यूज़ करेंगे। तो बच्चों अब इसका जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री हो गया, हम इसको उठा लेंगे। देन हमने क्या करना है, इसको इसमें यहाँ पे रख के इसमें हमने क्या है KMnO4 को ऐड करते जाना है ड्रॉप वाइज। ठीक है, हमने ऐड करते जाना है, ऐड हमने तब कब तक करना है, पहले तो जब भी हम ऐड करते हैं इसको साथ ही हमने स्टिर करना है।
कब तक हमें ऐड करना है इसको, जब तक क्या है इसका कलर क्या है बच्चों, पिंक ना बन जाए, ठीक है, तब तक हम इसको ऐड करते रहेंगे एंड कॉन्स्टेंटली इसको स्टिर करते रहेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे ही हम इसको स्टिर करते हैं ना, स्टिर करने से इसका जो कलर है, पिंक कलर है, वो डिसअपियर होता जाता है। हमने तब तक ऐड करते जाना है जब तक इसके डिसअपियर जो कलर हो रहा है ना, वो होना बंद हो जाए एंड इसका एक परमानेंट कलर आ जाए। जब पिंक शेड दिखाने लग जाएगा, लाइट पिंक शेड दिखाने लग जाएगा, तब हमारी मतलब क्या है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो KMnO4 जो है यहाँ पे, वो एक इंडिकेटर का भी काम कर रहा है। जो KMnO4 होता है, इसको हम सेल्फ इंडिकेटर भी बोलते हैं। ये देखो रजी, अब क्या है, इसका कलर जो है वो पिंक होने लग गया है ना, अगर हम इसको कितना मर्जी स्टिर कर लें, ठीक है, स्टिर करने के बाद इसका कलर जा नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब इसका परमानेंट पिंक कलर आ गया। तो हमने वो रीडिंग लेनी है जहाँ पे इसका परमानेंट पिंक कलर आने लग गया था, ठीक है। जो हमारी रीडिंग आई है, ये आई है 19.8, ठीक है, 19.8 आई है। तो हमने एक रीडिंग इसकी ले ली, इसी तरह से हमने क्या लेनी है बच्चों, 5 रीडिंग्स लेनी है। हमने क्या है, सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, मतलब पिपेट में डालना है, जो भी हमने प्रिपेयर किया है सॉल्यूशन, उसको हमने कॉनिकल फ्लास्क में डाल के दोबारा H2SO4 ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसको हीट करेंगे, कब तक, 60 डिग्री सेल्सियस तक। जब उसका जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस आ गया, दोबारा से हम उसको टाइट्रेट करेंगे, मतलब उसमें KMnO4 का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। कब तक ऐड करना है, जब तक कलर क्या है, पिंक, परमानेंट पिंक कलर नहीं आ जाता, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, जब ये सारी रीडिंग्स हमारे पास आ गई, हमने 5 बार किया, 5 बार हमारे पास रीडिंग्स आ गई, फिर हमने उसकी मीन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मीन वैल्यू निकाल के फिर क्या करना है, जो भी हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा, इसका क्या मतलब है कि हमने इतना वॉल्यूम ऐड किया था 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।